हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जय गेमर यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में आप सभी को एक ड्रैगन परमानेंट निकाल के दिखाने वाला हूं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मुझे एक एयर ड्रॉप आया है जिसमें कि M1887 गन का क्रिएट दिया गया है। हालांकि ये काफ़ी महंगा है, इसीलिए मैं इसे नहीं लेने वाला हूँ। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसी ट्रिक को फॉलो करके एक ड्रैगन को अपने अकाउंट में परमानेंट निकाला हूँ। देख सकते हैं कि मेरे पास ईवो का एक गन है। हालांकि मैं एक ड्रैगन ही यूज करता हूँ और इसी ट्रिक को यूज करके मैंने टॉप गेमर का इसका गन को परमानेंट निकाला है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और इसी ट्रिक को यूज करके मैं अपने फ्रेंड के आईडी में एक ड्रैगन को परमानेंट निकालने वाला हूं। और गाइस, आप सभी को मैं बता दूं कि इस चैनल पर लाइव में वीकली मेंबरशिप का गिव अवे होगा। तो जो भी गिव अवे में खेलना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि गिव अवे वाली वीडियो जल्द ही चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो गाइस, देख सकते हैं कि ये मेरा फ्रेंड का आईडी है, इनके आईडी में 300 डायमंड है। तो गाइस, चलिए सबसे पहले मैं एडम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको इसे पूरी तरीके से ब्लैक कर देना है। फिर आपको आना है पेट वाले सेक्शन में और आपका जो भी पेट है उन्हें आप हटा दें, यानी कि आप इसे रेस्ट कर दें। फिर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पहले करेक्टर्स में जाके एडम को सिलेक्ट किया, फिर जाके पेट को हटाया और आपके पास एक एक की जो भी स्किन है हटा दें। हालांकि इनके पास कोई भी स्किन नहीं है तो मैं इसे रहने देता हूं। अगर आपके पास कोई भी एक एक का स्किन है तो आप उसे हटा दें। इतना करने के बाद आपको जाना है स्टोर में और स्टोर में जाके एक ड्रैगन की क्रिएट को खरीदना है। तो आप गिल्ड टोकन से भी खरीद सकते हैं, वहाँ पे आपको कम डायमंड लगेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से एक क्रिएट को परचेस कर लेता हूँ, पर आपको कम से कम 3 क्रिएट परचेस करने हैं तभी ये ट्रिक काम करता है। हालांकि मैं देखता हूँ, अगर ये एक क्रिएट में ट्रिक काम करता है तो आप भी एक क्रिएट को खरीद सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मेरे पास एक क्रिएट है और इन्होंने कहा कि तुम एक ही क्रिएट खरीदना। इनकी खरीदने के बाद आपको सिंपल सा गेम पैक कर लेना है, फिर थोड़ी देर के बाद गेम को ओपन करना है। तो इनके आईडी में 300 डायमंड था। हालांकि इन्होंने कहा कि तुम एक ही क्रिएट खरीदना, क्योंकि यह कोई भी आइटम को गिफ्ट करना चाहता है। तो चलिए मैं जो अगला प्रोसेस है वो करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है और यहाँ पे आपको जाने के बाद यहाँ से एक ही ड्रैगन को खरीद लेना है। तो गाइस, यहाँ पे आने के बाद आपको AK-47 गन ले लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ से AK-47 जो गन है, यहाँ से 2 गन ले चुका हूँ। फिर इनके सारे अचीवमेंट को मैं लगाने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से 2 मैगजीन ले लेता हूँ, 2 मजल ले लेता हूँ, 2 ग्रिप ले लेता हूँ, 2 फोर स्कोप ले लेता हूँ और 2 स्टॉक ले लेता हूँ। तो आपको भी इसे भर देना है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे आके कम से कम 5 इन्हेलर को परचेस कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने 5 इन्हेलर को परचेस कर लिया है। इतना करने के बाद आपको चले जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में और यहाँ पे आने के बाद कम से कम आपको 5 किल करने हैं। तो चलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ। और गाइस, आप सभी को मैं बता दूँ कि आप गिव अवे खेलना ना भूलें, क्योंकि गिव अवे में आपको वीकली मेंबरशिप का रिडीम कोड मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें सपोर्ट करें। और गाइस, देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा दूसरा किल हो चुका है और यहाँ पे मैं तीसरा किल को कन्फर्म कर लिया हूँ और हमें यहाँ पे चौथा किल करने हैं। तो चलिए मैं चौथे किल के लिए ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे चौथा किल भी मेरा कंफर्म हो चुका है और हमें एक किल करने हैं। तो चलिए मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ एक किल होता है या नहीं।
तो गाइस देख सकते हैं कि मैंने 5 किल कंफर्म कर लिए हैं। 5 किल करने के बाद आपको सिंपल सा यहां से बैक कर लेना है। तो गाइस चलिए मैं यहां से बैक कर लेता हूं। तो देख सकते हैं कि मैं यहां पे टारगेट रेंज में आ चुका हूं। यहां पे भी आपको बैक कर लेने हैं। इतना करने के बाद आप लोग आ जाएंगे गेम के लॉबी में। तो यहां आने के बाद आपको जाना है स्टोर में और यहां पे जाना है एरमेरी वाले सेक्शन में। तो चलिए मैं यहां पे जाता हूं और गाइस कुछ इसी तरीके से आपको स्क्रॉल करना है। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक एक की जो भी स्क्रीन दिखे उसे आपको एक बार टैप करने हैं। तो चलिए मुझे एक एक की क्लियर दिखी, मैंने यहाँ पे टैप कर लिया। आपको जितने भी एक एक की स्क्रीन दिखेगी आपको एक बार टैप कर लेना है। फिर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एक ड्रैगन की जो क्रिएट है उसे ओपन कर लिया। फिर यहाँ पे आपको कम से कम 10 से 15 बार परमानेंट पे टैप करना है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ इसी तरीके से आपको कम से कम 10 से 15 बार करने हैं तभी ये ट्रिक काम करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसे 10 से 15 बार कर रहा हूँ, आप लोगों को भी कर लेना है। फिर आपको कुछ इसी तरीके से गन को ओपन करना है और एक बार पूरा रोटेट होने देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक बार पूरा रोटेट होने दिया है। फिर आपको कम से कम 10 से 15 बार टैप कर लेना है। फिर आपको आगे बढ़ जाना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक एक का स्किन नहीं है, एक लास्ट में स्किन है तो उसे भी आपको कम से कम टैप कर लेना है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसे टैप कर लिया है। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। फिर जाना है लक रॉयल में और यहाँ पे आपको गोल्ड रॉयल में जाके कम से कम 5 बार स्पिन करने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे स्पिन कर लेता हूँ। तो ये पहला स्पिन है, तो मैंने यहाँ पे पहला स्पिन कंप्लीट कर लिया है और मैं ये दूसरा स्पिन भी कंप्लीट कर लिया हूँ। ये तीसरा स्पिन भी मैंने कंप्लीट कर लिया हूँ और ये चौथा स्पिन भी मैंने कंप्लीट कर लिया और एक स्पिन बचा हुआ है। तो चलिए मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे गोल्ड रॉयल में आके 5 स्पिन किया हूँ। इतना करने के बाद आपको जाना है वॉल्ट वाले सेक्शन में, फिर जाना है क्रिएट में और देख सकते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड के अकाउंट में एक ही क्रिएट खरीदा था, पर आप लोगों को कम से कम 3 क्रिएट खरीदने हैं। तो गाइस चलिए देखता हूँ कि हमें यहाँ पे परमानेंट मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले आपको परमानेंट पे कम से कम 10 से 15 बार टैप करने हैं। तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे परमानेंट पे 10 से 15 बार टैप कर रहा हूँ। फिर आपको कुछ इसी तरीके से 10 से 15 बार करना है। फिर आपको गन को ओपन करना है और कुछ इसी तरीके से रोटेट होने देना है। तो गाइस यहाँ पे आपको इसे पूरा रोटेट होने देना है, कम से कम आपको इसे एक बार पूरा रोटेट जरूर होने देना है तभी ये ट्रिक काम करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक रोटेट पूरा हो चुका है। फिर आपको परमानेंट पे कम से कम 10 से 15 बार टैप करने हैं। तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, कुछ इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। इतना करने के बाद ही आपको क्रिएट ओपन करना है। तो चलिए और मैं टैप कर लेता हूँ। तो चलिए मैं क्रिएट को ओपन करता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मेरे फ्रेंड के अकाउंट में एक ही ड्रैगन परमानेंट मिल चुका है। तो गाइस आप भी इस ट्रिक को फॉलो जरूर करें और गाइस जो भी कस्टम टूर्नामेंट गिव अवे खेलना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके ज्वाइन हो जाए। टू नाइट अपडेट कस्टम आईडी पासवर्ड आपको यहां पे मिलने वाला है। और गाइस जो भी किसी गिल्ड में नहीं है आप हमारे गिल्ड में आ सकते हैं, लेवल 4 का है। यू आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और देख सकते हैं कि हर शुक्रवार को कस्टम कार्ड भी मिल जाता है। और गाइस जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी टू नाइट अपडेट
कस्टम आईडी पासपोर्ट मिलेंगे। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले अपडेट इसी तरीके से मिलता रहे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।